ಬಿಡ್ತಾನೆ थकान काट दी। छोटा जातपुर हम लोग को गाली दे रहा था और मारा और पीटा भी। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के पुरानी साहिबगंज में छोटी मोटी विवाद को लेकर एक युवती का बगल के ही कुछ लोगों ने कान काट कर अलग कर दिया, जिसको लेकर पीड़ित युवती के पिता निर्मल चौधरी ने नगर थाना में आवेदन देते हुए शिकायत कर बताया कि बीते 4 नवंबर की सुबह मेरी पुत्री पूजा के द्वारा साफ सफाई का कार्य घर के बाहर कर रही थी। इसी बीच कुछ छोटी मोटी विवाद हुई, उसके बाद घर के बगल के ही शिवशंकर यादव, फेकू यादव, गणेश यादव समेत अन्य ने जाति सूचक गाली गलौज करते हुए मारपीट करते हुए अस्तुरा से दाहिना कान काट कर अलग कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले गए हैं। वहीं बेहतर इलाज के लिए उसे बाहर रेफर कर दिया गया। झाड़ू दे रहा था, अपना द्वार सब साफ कर रहा, ऐसे भी रोज झाड़ू देते तो लड़ाई करता, टोन काट काट के दो तीन बार मार चुका है। क्या नाम है? संजय कुमारी। कैसे कटा कान? जब झाड़ू देते तब लड़ाई करके मारा है, घर ढूंढकर मारा है। कौन मारा है? ढूंढ यादव। क्या कैसे क्या हुआ झगड़ा? नहीं, द्वार वार साफ सफाई कर रहे थे ना दीपावली के दिन, तो उन्हीं का कचरा था ना, अपना दीवार के पास लगाए ना, तो बोलने लगा सब। अच्छा। मारने के लिए आ गया, गाड़ी भी दे रहा था। गोबर मेरा घर में कोई भी नहीं था, अकेले जाने तो गाँव समाज के है, कुछ नहीं करेंगे। मारा भी तो भी हम कुछ नहीं, मतलब कि बाप दा खिल है मारा है। छोटा जातपुर हम लोग को गाली दे रहा था और मारा और पीटा भी। अच्छा। और अस्तुरा ले ले था, कान काट दिए। फरार के लिए आवेदन लिए है, अभी कुछ करवाएंगे। कुछ नहीं। परिजनों ने अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय को लेकर थाने में STSC एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी शिकायत दर्ज की, परंतु नगर थाना पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पीड़ित परिवार काफी डरे और सहमे हुए हैं। वहीं पीड़ितों परिवारों ने बताया, दिवाली के दिन अपना दरवाजा साफ सुथरा कर रहा था, उन्हीं का कचरा है अपना दरवाजा पे लगाया, इसलिए पूरा छोटा जाति बोल के गालम गाली देता है, हमेशा देता है। 4-5 बार मार चुका है मैं लड़की को, एक बार नहीं मारा, 4-5 बार मारा। सिंहलाल यादव मारा है, ढुनढुन यादव मारा है, कार्तिक यादव मारा है और गणेश यादव। अच्छा, जिसको लेकर के थाना में आवेदन दिए, कोई कार्रवाई।